हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए एक और नया क्यूज लेके आया हूँ। इस क्यूज में कोई भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। इस क्यूज को कंप्लीट करने के बाद में जिनका भी स्कोर 50% से ऊपर रहेगा, उन सबको सर्टिफिकेट विद इन 2 मिनट के अंदर ईमेल आईडी पर मिल जाएगा। और अगर आपको 2 मिनट के अंदर नहीं मिलता है तो आपको 24 आवर्स तक वेट करना है। इस क्यूज में सारे क्वेश्चन सेम रहेंगे, बट क्वेश्चन का जो ऑर्डर रहेगा वो डिफरेंट रहेगा, ठीक है ना। क्वेश्चंस का ऑर्डर डिफरेंट रहेगा, क्वेश्चंस सेम रहेंगे, ठीक है। तो क्यूज में पार्टिसिपेट करने के लिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दिया है, वहां पर क्लिक करके आप क्यूज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्यूज मैंने पहले ही अटेम्प्ट किया हुआ है, तो मैं आपको क्यूज के आंसर्स बता देता हूँ। अगर आप बिना आंसर देखे क्यूज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक फॉर्म ओपन होगा। उस फॉर्म में आपको आपकी जो भी बेसिक डिटेल्स है, सारी बेसिक डिटेल्स आपको अच्छे से फिल कर देना है, ठीक। मैं आपको क्यूज के आंसर्स बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन जो होगा, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिवर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। आपके क्यूज में ये वाला जो क्वेश्चन होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग ए टोटल लूनार एलिप्स एंड ऑब्जर्व ऑन अर्थ वुड सी, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द मून ट्यूरिंग इनटू रेड कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट क्यूज टू प्रोडक्शन डिले। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मिनिमम मटेरियल हैंडलिंग, ठीक है। क्वेश्चन सेम रहेंगे बट क्वेश्चन का ऑर्डर डिफरेंट रहेगा, इस चीज को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच एम्पायर फ्रॉम इंडिया बिकेम द यंगेस्ट मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल एलाइड पैनल ऑफ एम्पायर्स, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा नितिन मेनन, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज डू वी हैव वैक्सीन, ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन होगा, इसका राइट आंसर होगा स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द गुजरात एच सी रिसेंटली threatened to sue the Gujarat HC Advocate Association President for criminal contempt. Which of the following was the reason? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। GHAA alleged the registry of nepotism and favoritism, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वर्सेस इज करेक्ट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वर्सेस दैट स्प्रेड इन कंप्यूटर, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इट इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी विल क्लोज इट्स फिजिकल स्टोर लोकेशन परमानेंटली, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है ना। माइक्रोसॉफ्ट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द टू डिसीज विच चिल्ड्रन नाउ आर वैक्सीनेटेड अगेंस्ट अलोंग विद पैराथेसिस, ठीक है, वूपिंग कप। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, डेप्थेरिया एंड टेटनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द वायरस दैट स्प्रेड इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैक्रोवाइबर, ठीक है ना, मैक्रोवाइबर वायरस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आर लोकेटेड इन इंडिया आइदर पार्टली और कंप्लीटली। तो इस क्वेश्चन में आपको सारे ऑप्शन को टिक कर देना है, ठीक है, सारे ऑप्शन सही है इसमें, सारे ऑप्शन को टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेप चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, कान्हा नेशनल पार्क इज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द जम्मू ग्लेशियर विच गिव्स बर्थ टू द टेस्टा रिवर इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व्स। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज आर करेक्ट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव मोर देन अबव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स इन फतेहपुर सीकरी इज ऑल्सो नोन एज द ड्रीम ऑफ स्टोन्स, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पंचमहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आइडेंटिफाई द अबव आर्ट फ्रॉम फॉलोइंग ऑप्शंस, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, झारखंड सोहरी कोवर पेंटिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग सैटेलाइट ऑल्सो कॉल्ड शार्पेस्ट आई इन द स्काई वाज लॉन्च्ड इन रिसेंट पास्ट बाई इसरो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है,
तो इस तरीके से आपको क्यूज को कंप्लीट करना है। क्यूज कंप्लीट करने के बाद में आपको क्यूज को सबमिट कर देना है, ठीक है। और जिनका भी स्कोर 50% से ऊपर रहेगा उन सबको पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट विद इन 2 मिनट के अंदर ईमेल आईडी पर मिल जाएगा। और अगर आपको 2 मिनट के अंदर नहीं मिलता है तो आपको 24 आवर्स तक वेट करना है। क्यूज कंप्लीट करने के बाद में जो सर्टिफिकेट है वो कुछ इस तरीके का लिखेगा, ठीक है, संकल्प IAS फॉरम, ठीक है, इस तरीके का सर्टिफिकेट दिखेगा। अगर दोस्तों आपको क्यूज पसंद आया और अगर आप सभी को सर्टिफिकेट मिल जाए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।